मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 बुद्धि एवं भाग का पेज नंबर 28 का कंप्लीट समझ लिया था और पढ़ लिया था। अब आज हम 29 पेज का रीड करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कहां तक पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जो सौदागर है गडरिये की बारात लेकर राजा जी के यहाँ जाता है और राजा जी के यहाँ जाकर उसकी खूब धूमधाम से शादी होती है और बारात की अगवानी भी बहुत अच्छी तरह से होती है। अब जब सब फेरे एरे का कार्यक्रम भी हो जाता है तो जो दूल्हा बना गडरिया रहता है चित्रशाला में चला जाता है, पर वो बहुत परेशान हो रहा होता है कि मैं क्या करूँ। वो सोचता है कि मैं फिजूल सौदागर के चक्कर में पड़ गया। अब क्या होता है कि वो आधी रात को जब वो चित्रशाला में था तो उसको आधी रात को पायल की आवाज़ आई रुनझुन रुनझुन। तो गड़रिये के मन में क्या हो गया, डर समा गया, क्योंकि उसने बचपन में कहानी सुनी थी भूत प्रेत आते हैं और लोगों को मार देते हैं। तो इस अनुभव से वह और आवाज़ वो पास आती जा रही थी। और कुछ देर बाद क्या हुआ कि कमरे के दरवाजे की आवाज़ आई खटखटाने की। तो वो क्या पड़ गया, डर के मारे पीला पड़ गया और उसका दम था जो वो फूलने लगा। अब वो उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो अब देखते हैं उसने आगे क्या किया, अब हम पढ़ते हैं। तो देख क्या लिखा है, अपने बचने का अब उसे कोई पाय नहीं सूझ रहा था। वह लपका और खिड़की से नीचे छलांग लगाने लगा। क्या हुआ, वो लपका यानी वहाँ पर दौड़ा और कहाँ पे छलांग लगाने लगा, खिड़की से नीचे। अब उसकी मौत नज़दीक थी, उसकी वो सोच रहा था अब ये अगर खिड़की से गिरता छलांग लगाता नीचे तो क्या होता, उसको तो मृत्यु आ जाती, ठीक है ना। तभी बुद्धि ने भाग से कहा, बुद्धि ने क्या कहा, भाग इसे, इसे बचाओ, तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। क्या बोली, इसको बचा लो नहीं तो ये कहाँ चला जाएगा, मौत के मुंह में इसकी मृत्यु हो जाएगी। भाग चुपचाप खड़ा था, भाग ये क्या कर रहा था, चुपचाप खड़ा था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अब वह झुंझला कर बोला, वो क्या बोला, गुस्से से झुंझला कर यानी गुस्से से बोला, चिल्ला, क्या करूं, अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है, ठीक है। वो बोला कि अजीब मूर्ख आदमी से पाला पड़ा है, तुमसे बन पड़ता है तो तुम ही इस मूर्ख को मरने से बचाओ, अगर तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है तुम ही बचा सकती तो इस मूर्ख को बचा लो, मैं अपनी हार मान लूँगा। भाग ने कहा मैं हार मान लूँगा अपनी, तथास्तु यानी कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो। यह कहकर बुद्धि गडरिया के दिमाग में घुस गई, है ना, यानी उसकी बुद्धि पलट गई, वो कूदने जा रहा था तो उसके क्या हो गई, दिमाग में घुस गई, यानी बुद्धि के आते ही ऊंचाई से धरती को देख गडरिये ने सोचा, यानी उसके दिमाग में बुद्धि आ गई तो उसने ऊंचाई देखी, जब धरती की तरफ देखा तो उसने क्या सोचा, नीचे गिर कर करने से क्या लाभ, और फिर राजमहल में डाकनियों का क्या काम। तभी वह खिड़की को छोड़कर कमरे में लौट आया। वो मन में सोचा कि अगर नीचे गिरूंगा तो क्या होगा, इससे लाभ मरूंगा, और ये तो मैं सोचूं कि राजमहल में भूत प्रेत कहाँ से आएंगे डाक डाकने, ठीक है, भूत प्रेत कहाँ से आएंगे। तो तभी वह खिड़की को छोड़कर कमरे में लौट आया। वो खिड़की को छोड़ा, कहाँ गया, कमरे में। अब क्या हुआ, फिर उसे ध्यान आया कि जिसके साथ रात को मेरी भावरें पड़ी थी उसके पैरों से भी ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। उसके दिमाग में आ गया, जब मेरी भावर पड़ी थी तो जो पायल की तब भी छुन छुन आवाज़ ऐसी ही आ रही थी, हो सकता है मेरी दुल्हन ही मुझसे मिलने आई हो। उसके मन में क्या विचार आ गया, बुद्धि उसकी पलट गई, उसके मन में क्या विचार आया, हो सकता मेरी दुल्हन ही मुझसे मिलने आई हो। ओह,
मैं भी कैसी मूर्खता करने जा रहा था, वो सोचता मैं भी कैसा मूर्खता मूर्खता का काम करने जा रहा था। धीरे धीरे सारी कहानी उसके दिमाग में क्या होने लगी, घूमने लगी। पूरी कहानी उसके दिमाग में क्या हो गई, घूमने लग गई। अब उसने हंसते हुए द्वार खोल दुल्हन का स्वागत किया। उसने क्या किया, अब मुस्कुराया और दरवाज़ा खोला और अपनी दुल्हन थी उसका क्या किया, स्वागत किया। दोनों खिल उठे, दोनों हंसने लगे। दूसरी ओर भाग्य बुद्धि के सामने अपनी हार मानकर सिर झुकाए खड़ा था। कौन, जो भाग्य था वो बुद्धि के सामने यानी सिर झुकाए क्यों खड़ा था, क्योंकि वो हार गया था, है ना। यदि कुछ मुसीबत आती है तो अपनी क्या करना चाहिए, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आज ये कहानी आपकी क्या हो गई है, ख़त्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग क्या करना, इसकी रीडिंग करना, ठीक है।